हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 16 टू 18 स्टडी करेंगे। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 से एक नया फार्मूला लगेगा, जब इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, तो हमें पी एक्स प्लस क्यू को मानना होगा। ए इंटू डी ऊपर वाला नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और प्लस बी एक टर्म लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे 16 नंबर में देखिए, आई इज इक्वल टू दिया है 4x प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और dx। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट में जो टर्म दिए हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसे हम z मान लेंगे। इसको मानने से बेनिफिट क्या होगा कि देखो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2x तो 4x और x का 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 0 बराबर डीजेड बाय डी एक्स। तो आप क्या लिखोगे, 4x प्लस 1 डीएक्स बराबर डीजेड। तो देखो बच्चों, आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ऊपर डीजेड और नीचे जो हो जाएगा अंडर रूट जेड। ठीक है, अब इसे आप कैसे इंटीग्रेशन करोगे, तो जेड पे पावर माइनस 1 बाय 2 डीजेड, तो ये हो जाएगा जेड पे पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस 1। तो आप इसको लिखोगे जेड पावर 1 बाय 2 और बट्टा 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 जेड पे पावर 1 बाय 2 बराबर 2 अंडर रूट जेड। तो 2 अंडर रूट जेड, जेड का वैल्यू आप पुट कर दो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और इंटीग्रल कांस्टेंट हम c को ऐड कर देंगे। ओके चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखो बच्चों क्या दे रहा है कि x प्लस 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको सेपरेट कर देते हैं, x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब आप इसे क्या करो, मान लो लेट i बराबर i1 प्लस i2, इसलिए i1 को आप अलग इंटीग्रेट करो तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा। तो देखो इससे क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को z, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 2x माइनस 1 का 0 और ये dz बाय dx। तो देखो बच्चों यहाँ पे x dx को आप लिख सकते हैं dz बाय 2, देयरफॉर i1 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे dz बाय 2 होगा ना, dz बाय 2 अंडर रूट z। तो इसको क्या करो, 1 बाय 2 बाहर कर लो, अंडर रूट z को ऊपर ले जाओगे तो माइनस 1 बाय 2 dz हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 बाय 2 z पे पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, ए 1 अपॉन 2 जेड पे पावर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 1 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जेड पर पावर 1 अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट जेड और अंडर रूट का मान क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट जेड, जेड का वैल्यू आपने क्या माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ आई टू, I2 को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या होगा, 2 बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, तो आप 2 को क्या करो, बाहर कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और dx। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो, 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे इसको, ये इसलिए i2 हो गया, देयरफॉर i बराबर हो जाएगा बच्चों i1 और प्लस i2। तो i1 का मान ले लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और i2 का मान ले लो 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रल कांस्टेंट का ऐड कर देना c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो बच्चों 18 में हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, नया फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे वाला को मानने से भी ऊपर वाला हमारा वैल्यू ये जो दिया गया है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में वो इंटीग्रेट हो नहीं पाएगा, तो हम इस फार्मूला का यूज करने वाले हैं। तो देखो बच्चों 18 में आई इज इक्वल टू दिया है 5x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब क्या करो ना, यहाँ पर नीचे में आप कंडीशंस ले लो,
कि लेट 5x माइनस 2 बराबर a, हम अपने मन से टर्म मानेंगे और ये नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पर प्लस b कर देंगे। ओके तो देखो ये 5x माइनस 2 और ये हो जाएगा a 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का 2x, तो ये 6x हो जाएगा प्लस 2 और प्लस यहाँ पे देखो b होगा क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब आप दोनों तरफ क्या करो ना, कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकाल लो और इसको इक्वेशन कुछ मान लो फर्स्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5x माइनस 2 बराबर 6ax प्लस 2a प्लस b। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, इसको इससे कंपेयर कर देंगे और ये वाले दोनों टर्म को इससे कंपेयर कर देंगे, तो 6a बराबर हो जाएगा 5 इंप्लाइज a बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 6 एंड 2a प्लस b बराबर होगा माइनस 2, तो 2 इंटू 5 अपॉन 6 प्लस b बराबर माइनस 2, तो 2 3 जो 6, तो b की जो वैल्यू होगी वो माइनस 2 माइनस 5 अपॉन 3, एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 2 जो 6 माइनस 5 बराबर माइनस 11 अपॉन 3। ओके अब यही a और b का वैल्यू हम लोग रखेंगे कहां पर, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 5x माइनस 2 बराबर 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 6x प्लस 2, तो a की वैल्यू देखो 5 अपॉन 6, तो 5 अपॉन 6 इंटू 2x प्लस 2 और प्लस b है, तो b है माइनस 11 बाय 3, तो माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा 11 अपॉन 3। अब यही वैल्यू बच्चों हम लोग को यहाँ पे रखना है, ठीक है ना, i में इंटीग्रेशन जहां पे आप कर रहे हो, तो देयरफॉर i बराबर इसके ऊपर रख दो 5 अपॉन 6 इंटू 2x प्लस 2 माइनस 11 अपॉन 3 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, देखो 5 अपॉन 6 ये 2x प्लस 2 हो जाएगा, नीचे में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx और यहाँ हो जाएगा बच्चों 11 अपॉन 3 1 बटा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये dx। अब मान लेते हैं लेट i बराबर 5 बाय 6 i1 और माइनस 11 बाय 3 i2, ठीक है, और इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसलिए i1 बराबर, तो i1 बराबर देखो 2x प्लस 2 है, ठीक है, 2x नहीं सॉरी ये 6x है ना, ये 6x प्लस 2 है, ठीक है, देख लो यहाँ पे 6x प्लस 2, तो 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को z मान लो, तो ये देखो कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 बराबर dz बाय dx, इसीलिए आप लिख सकते हो 6x प्लस 2 dx बराबर dz। देयरफॉर i1 इज इक्वल टू, ध्यान देंगे ऊपर में हम लोग dz लिख देंगे और नीचे में हम लोग z लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगा log z, तो log z को आप क्या लिख सकते हो, log z, z का मान पुट कर दो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब बच्चों हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना होगा i2, ठीक है ना, और फिर i2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो i निकलेगा, ये i है, i1 नहीं है सॉरी। चलिए तो इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम लोग i2 निकालते हैं। नाउ i2 इज इक्वल टू, ध्यान दो बच्चों क्या होगा कि 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये है dx, तो देखो इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ब्रेक करेंगे, तो 1 अपॉन क्या होगा 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 एक्स प्लस 1 अपॉन 3 और यहाँ पे हो जाएगा dx, तो देखो ये 1 अपॉन 3 बाहर करेंगे तो 1 बाय, इसको तोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू क्या एक्स से गुना करोगे तो 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 का स्क्वायर जोड़ दो, अब माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर घटा दो और प्लस 1 बाय 3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dx, तो 1 अपॉन 3 यहाँ पे देखो बच्चो dx ले लेना और ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर और ये देखो माइनस 1 बाय 9 और प्लस 1 बाय 3, एलसीएम लोगे तो 9, तो माइनस 1 प्लस 3 3 जा 9 ये प्लस 2 बाय 9 आएगा, तो हम लोग इसको लिख देंगे रूट 2 बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से मानना होगा, तो लेट x प्लस 1 बाय 3, एक बार हम लोगों ने z मान रखा है तब की t मान लेते हैं, इसलिए dx बराबर क्या हो जाएगा dt, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो i2 बराबर देखो बच्चों क्या होगा 1 बाय 3 ऊपर dt और नीचे क्या है t स्क्वायर
अब प्लस हो गया रूट टू बाय थ्री का होल स्क्वायर। नहीं तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, वन बाय थ्री इंटू वन बाय ए तो वन बाय रूट टू बाय थ्री, और टेन इनवर्स एक्स बाय ए तो टेन इनवर्स टी बाय ए तो रूट टू बाय थ्री। ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद हम इसको इधर इरेज कर रहे हैं यहां तक, क्योंकि हमें आई वन आई टू की वैल्यू फिर पुट करना है यहां पर। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये वन बाय थ्री इंटू थ्री बाय रूट टू हो जाएगा, ठीक ना, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री टी बाय रूट टू। देखो इससे ये गया तो वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स थ्री टी, टी का मान पुट कर दो तो टी का मान देखो क्या है, एक्स प्लस वन बाय थ्री, अब बाय हो जाएगा रूट टू, इम्प्लाइज वन बाय रूट टू टेन इनवर्स थ्री से गुना कर दोगे अंदर तो थ्री एक्स, और थ्री से इसको गुना करोगे तो कैंसिल वन बाय रूट टू। इसलिए आई बराबर देख लो क्या है, फाइव बाय सिक्स आई वन, तो फाइव बाय सिक्स आई वन का वैल्यू देखो यहाँ पर लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और फिर देखो यहाँ पर बच्चों क्या है, माइनस अलेवन बाय थ्री आई टू, तो आई टू हो गया वन बाय रूट टू टेन इनवर्स थ्री एक्स प्लस वन बाय रूट टू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फाइव अपॉन सिक्स लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस इलेवन अपॉन थ्री रूट टू, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री एक्स प्लस वन अपॉन रूट टू, और प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट क्या जोड़ देंगे सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन 16, 17, 18 हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।